ये खबर आस्था से जुड़ी हुई है, आप इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं। सागर के सिलारी में अग्निकुंड मेले का आयोजन किया जाता है, जहां मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु नंगे पैर अग्निकुंड से निकलते हैं। आस्था के सामने हर दुख दर्द छोटा साबित हो जाता है और आस्था सदैव विजयी होती है। सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिलारी में आस्था को समर्पित 2 दिवसीय अग्निकुंड मेले का आयोजन होता है, जहां मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु नंगे पैर अग्निकुंड से निकलते हैं। अगहन माह की अमावस्या पर अग्निकुंड मेले का आयोजन होता है। पंडित राजेश शास्त्री ने बताया कि यह मेला निरंतर 21 वर्षों से भरा जा रहा है। लोग अपनी मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होने पर अंगारों में से नंगे पैर निकलते हैं। लगभग विगत 20 वर्ष हो गए जब से अग्निकुंड मेला चल रहा है। यहाँ की क्या मान्यता है, क्या है? यहाँ की मान्यता यह है, लोग अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु अग्निकुंड में से निकलते हैं। कई लोग मन्नत मांगते हैं कि भाई हमारा काम हो जाए, हाँ। तो काम होने के उपरांत मैं अग्निकुंड में से निकलूंगा, हाँ। तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और कई लोगों की ये रहती है कि हमारा ये काम हो जाए तो उस मनोकामना पूर्ण हेतु हम अग्निकुंड में से निकलेंगे, तो उनकी फिर मनोकामना पूर्ण होती है। सिलारी में श्रीदेव हनुमान मंदिर में स्वयं सिद्ध प्रतिमा है। लगभग 20 वर्षों से पहले से ही राजा राम पटेल मंदिर में सोए हुए थे। अखंड रामायण का पाठ चल रहा था, तभी हनुमान जी महाराज का स्वप्न राजा राम पटेल को आया और हनुमान जी ने कहा, अग्नि कुंड में से निकलो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तब राजा राम पटेल अग्नि जलाकर रात में ही अग्नि में से निकलने लगे, जिससे वे जले नहीं। तब से यह अग्निकुंड मेला शुरू हुआ। आज से 20 वर्ष पूर्व एक राजा राम पटेल थे, यहाँ सिलारी गाँव के निवासी जी। उनके लिए भगवान हनुमान जी महाराज ने स्वप्न दिया और बोला कि आप भटियाँ खोद के इसमें अंगारे डाल के और दहकते अंगारों पर से निकलने से हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो इसमें राजा राम पटेल ने और महेंद्र मिश्रा सिलारी के ये स्थानीय निवासी हैं, उन लोगों ने रात में ये भटियों का निर्माण किया, सुबह उसमें अंगारे डाले, श्री हनुमान जी महाराज का नाम स्मरण करके और उसमें से दोनों जन निकले और उसके बाद यह सिलसिला शुरू हुआ। तो ये आज 20 वर्ष कम्प्लीट हो गए इसके लिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।